हेलो दोस्तों, ऑटो ट्यूब इंडिया में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक लेटेस्ट अपडेट को लेके टाटा नेक्सॉन ईवी के बारे में। टाटा नेक्सॉन ईवी की टाटा ऑलरेडी प्रमोशन कर रहा है और काफी वीडियो एपिसोड वाइज रिलीज करते हुए जा रहा है। आपको पहला वीडियो अगर याद होगा तो मिलिंद सोमन और उनकी वाइफ अंकिता कोनवर ने रिलीज किया था, जिसमें उन्हें ये कार दी गई थी और लेह लद्दाख की रोड पे इस कार को देखा गया था। साथ ही इस वीडियो के जरिए टाटा ने ये बताने की कोशिश की थी कि इस कार में इन सेलिब्रिटीज का क्या व्यू रहता है, और जो कि बहुत पॉजिटिव निकल के आए, क्योंकि टाटा ऑलरेडी अपनी राइड क्वालिटी, अपनी बिल्ड के लिए जाना जाता है। और ऐसे में अब टाटा जो इलेक्ट्रिक लॉन्च कर रहा है उसके भी लगातार विजुअल्स और टीजर्स लगातार रिलीज किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इनके स्टार्टिंग के एपिसोड्स थे जो सुपर मॉडल मिलिंद सुमन और उनकी वाइफ द्वारा बनाए गए थे, जिसपे उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से भी काफ़ी कुछ पोस्ट किया था, जो मैं ऑलरेडी अपने पहले वीडियो में बताता आ रहा हूं। और इसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि उनका फर्स्ट इम्प्रेशन, उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा था टाटा नेक्सॉन ईवी के साथ। साथ ही उन्होंने दूसरे एपिसोड में ये बताया था कि ये बहुत ईज ऑफ चार्जिंग, मतलब बहुत ईजी है चार्जिंग में। उसमें मैं ये आपको वीडियो दिखाता हूँ कि किस तरह से उन्होंने एक दिन एक होटल में रुक कर और कार को चार्ज किया था, उसका ये वीडियो देखिए। It was quite easy. The car is amazing. Yeah. It was. So now we need to see how easy we can charge it. Yeah. Yeah. Hello. Hello. Good evening. Good evening. You have a booking for me? Yeah, we do. But listen, I need some help. Do you have a 50 ampere plug point? Yes, we have. Yeah. We have a heating point in the room. Heating point in the room. That's 15 ampere. Wow. But okay, that's great. Now we have an electric car. We need to charge it. So you have this extension cable with a 15 ampere plug point? Yes, I do. Can you get it? Yeah, sure. Let's go. Super. Let me check inside. I'll check in the app as well. Yep. Oh. It's charging. Yeah, it's charging. Show me. Have you checked the charge? Yes, it's fully charged. इसके अलावा उन्होंने एक वीडियो और टीजर आया था, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि ये अप्रूव्ड बाय नेचर, मतलब जो क्लाइमेट कंडीशंस होती है, जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस होती है और हीटेड कंडीशंस होती है, उसमें भी ये इलेक्ट्रिक कार काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है, क्योंकि ये अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक कार बैटरी पे डिपेंड करती है और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि बैटरी को एक नॉर्मल टेम्परेचर मिले, जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस और आउटपुट बेहतर दे सके। इसके अलावा भी और जो टीजर्स आए थे उसमें कितनी स्मूथ है ये कार, इसके बारे में बताया गया था। जो अभी लेटेस्ट दो टीजर्स आए हैं, मैं उनके बारे में भी बता दूं कि एक टीजर में वाटर वेडिंग टेस्ट करते हुए ये कार नज़र आ रही है। आपको बता दें, ये वाटर वेडिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक कार के लिए एटलीस्ट इसलिए हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार में अगर थोड़ा सा भी पानी कहीं जाएगा तो शॉर्ट सर्किट का डर रहता है, इसलिए वाटर वेडिंग टेस्ट उसमें करके टाटा ने दिखाया है। साथ ही टेरेन टेस्ट भी कई कुछ किए गए हैं और रेडिबिलिटी टेस्ट भी किया गया है, और इसके अलावा एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग के ऊपर भी जो वीडियो में ऑलरेडी आपको दिख रहा है, और एक और लेन चेंजिंग का भी टेस्ट का एक अलग से टीजर अभी हाल फिलहाल में आया है। तो ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि टाटा की जो नेक्सॉन ईवी है वो पूरी तरह से लॉन्च होने के लिए तैयार हो चुकी है, और टाटा लगातार उसको प्रमोट करने के लिए इस तरह से पहले एपिसोड्स रिकॉर्ड कर रहा था। अब उनके टीजर्स आने शुरू हो गए हैं। जैसा आपको याद होगा, टाटा हैरियर के लॉन्च से पहले टीजर्स, फाइनल टीजर्स कुछ आ रहे थे, और उसके ठीक एक महीने के अंदर टाटा हैरियर लॉन्च हो गई थी। तो जहां तक मुझे भी जो कन्फर्मेशन मिल रही है कि दिसंबर में ऐसा सुनने में आ रहा है कि टाटा नेक्सॉन ईवी को रिवील कर दिया जाएगा, और हो सकता है कि दिसंबर से ही उसकी बुकिंग शुरू हो जाए और जनवरी में इस कार को लॉन्च कर दिया जाएगा। रही बात प्राइस और रेंज की, तो मैं आपको बता दूं, मैं इस पे एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। मैं वीडियो के अंत में उसका लिंक और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक छोड़ देता हूं, आप ज़रूर क्लिक करके देखें, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा नेक्सॉन ईवी आपके लिए कैसी कार साबित होने वाली है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है नेक्सॉन इलेक्ट्रिक यानी
ईवी को लेके आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं, क्योंकि टाटा एक ऐसी इंडियन कंपनी जो ऑलरेडी, हालांकि उन्होंने टिगोर को लॉन्च कर दिया और उसकी अभी थोड़ी बहुत रेंज भी बढ़ा दी, 200 रेंज वो सिंगल चार्ज पे देने लगी है, और नेक्सॉन में वो क्लेम कर रहे हैं कि एटलीस्ट आपको 300 किलोमीटर या 270 तक आपको सिंगल चार्ज में मिलेगी। आपका क्या सोचना है कि इलेक्ट्रिक की रेस में अब टाटा उतरने जा रही है आपकी जो इंडियन कंपनी है, आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए जिससे हम जो भी अगला वीडियो रिलीज करेंगे वो आप तक तुरंत पहुंचे।